और ये जो घुटनों का दर्द है, हकीम लुकमान कहा करते थे घुटनों का दर्द कोई बीमारी नहीं है, ये घुटनों का दर्द कोई, ये इस बात की अलामत है कि जो खाना तुम खा रहे हो वो खाना ताकत नहीं दे रहा। अगर ताकत दे रहा होता तो आपके घुटने आपके जिस्म का बोझ उठाते। हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने दर्द की दवाई खाना शुरू कर दी। दर्द की दवाई ना खाओ, दोबारा से वही ताकत लेके आओ कि आपके घुटने आपका वजन उठाने के काबिल हो जाए। और यही बातें मैं लोगों को बताता हूं, और हम सब भाग रहे हैं दवाई के चक्कर में कि मुझे दवाई चाहिए, मुझे दवाई चाहिए, दवाई बताओ, दवाई बताओ। मतलब मैंने जब लोगों को बताया ना यार दवाई क्यों खाना चाहते हो, कहते घुटने ठीक करने चाहते हैं, तो मैं क्या भाई साहब घुटने दवाई के बगैर भी ठीक हो सकते हैं। जिस जिसको घुटनों में दर्द है खाने के साथ पानी छोड़ दो। ये पर्ची किसकी है, ये किसकी है मेरे मोहतरम भाई? जिसको घुटने में दर्द है ना वो खाने के साथ पानी पीता है। वो खाने के साथ क्या करता है, दुनिया में कोई जानवर खाने के साथ पानी नहीं पीता। कभी किसी इंसान ने किसी जानवर को खाने के साथ पानी पीते देखा है? देखो कुरान क्या है बताता हूँ। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुलू कुलू खाओ, वशरबू और पियो, वला तुसरिफू और ज्यादती इसराफ ना करो। मेरे मोहतरम भाइयों खाने के साथ पानी था ही नहीं, आप लोग कहाँ से ले आए? और कोई जानवर खाने के साथ पानी पीता ही नहीं, आप लोग पता ही कहां से लेके आए? आपने टीवी पे कमर्शियल देखी खाने का मजा सेवन अप के साथ, खाने का मजा ड्यू के साथ, खाने का मजा स्प्राइट के साथ। आपने समझा पता नहीं खाने को जब तक इसके साथ ये चीज नहीं लेंगे तो खाना हजम। और बीसियों ऐसे एजुकेटेड स्टूपिड हैं जो कहते हैं खाने के साथ बोतल ना पिए तो खाना हजम नहीं। कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिएगा। देखो जब आप खाना देखते हो ना, खाने को देखते हो, आपकी आंखें खाना देखती हैं, वो ब्रेन को उसकी तस्वीर देती हैं और आपका ब्रेन उसको हजम करने के लिए रदूरतें बनाता है, सेक्रीशंस बनाता है, एंजाइम्स बनाता है। अच्छा अब वो एंजाइम बने, आपने सुना हुआ था खाने से पहले पानी पीना सोना है, क्या सुना हुआ था? तो आपने वो पानी पिया तो वो सारे एंजाइम उस पानी में हल होके क्या करेंगे, निकल जाएंगे। और बाद में हमने सुना खाने के दरमियान पानी पीना चांदी है, जरा कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। जब आप खाने के दौरान पानी पियोगे तो वो जो खाने को हजम करने की वाली सिक्रेशन आएगी, पानी दो मिनट आपके मैदे में रहता है, वो सारा कुछ हल करेगा, वहां से ले जाएगा। और खाने के बाद अगर पानी पिया तो लोग कहते हैं ये लोहा है। मेरे मोहतरम भाइयों तीनों सूरतें ही गलत हैं, तीनों सूरतें ही। बुखारी की सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी भूख के तीन हिस्से करते थे, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा नफ्स के लिए छोड़ते थे। मेरे मोहतरम भाइयों खाना और चीज़ है पीना, तो खाने में कभी पानी। बल्ला जिसको जोड़ों का दर्द है, जिसको गैस है, जिसको कब्ज है, जिसको बवासीर है, जिसको तजावियत है, जिसका खाना जिंदगी में कभी हजम हुआ ही नहीं, एक बार मेरे कहने पे करके देख लो। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, खाना खाने से आधा घंटा। अच्छा पहले समझो क्यों पीना है, आधा घंटा पहले पानी क्यों पीना है, इसको साइंटिफिकली समझो, पहले इस्लाम से समझो। हमने सुना खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, खाना खाने से पहले क्या धोने चाहिए? कभी जिंदगी में ये भी सुना कि खाना खाने से पहले मैदा धोना चाहिए? खाना खाने से पहले। अच्छा खराब क्या है, खराब क्या है? मैदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान जितने बर्तनों को भरता है उसमें सबसे बुरा बर्तन उसका पेट है, सबसे बुरा बर्तन उसका। अच्छा उसका पेट खराब है तो उसको पहले क्या करना चाहिए था, उसको धोना चाहिए था। तो खाना खाने से आधा घंटा पहले जो पानी पियोगे उस पेट के अंदर जो गंद है, तजावियत है, मवाद है, फासद मादे हैं, वो सारे निकल जाएंगे। एक लुकमे को इतना चबाओ जितने आपके दांत हैं। कितने दांत हैं?
कितने दांत हैं? जब एक लोमे को 32 बार चबाओगे, बताओ जिंदगी में कभी कब्ज होगी, बवासीर होगी, गैस होगी? अल्लाह की कसम ये जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। जब खाना हजम हो गया तो वो आपके घुटनों को क्या देगा? ताकत देगा। और अगर खाना हजम नहीं हुआ तो मेरे मोहतरम भाइयों, घुटने आपके कभी ठीक हो सकते हैं? इसके साथ एक काम और करो मेरे मोहतरम भाइयों, सुबह का खाना पेट भर के खाओ। सुबह का खाना 60%, दोपहर का खाना 30% और शाम का खाना 10%। अच्छा, सुबह का खाना 60% क्यों लेना है? इसको दो तरह से समझो। जो गाड़ी सुबह को टैंकी फुल करके जाएगी, सारा दिन उसने चलना कैसी चलेगी? कैसी चलेगी? और जो गाड़ी खाली जाएगी वो कैसी चलेगी? अच्छा, आप इसको ना इस्लाम कुरान के मुताबिक समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जो सबसे ज्यादा बरकत रखी है ना वो सुबह में है। सुबह के वक्त में क्या है? और सियाने की कहते हैं देसी, सुबह का वेला कीड़ा है बरकत का। मेरे मोहतरम भाइयों, सुबह का खाना जो 60% खाएगा, उसने सारा दिन उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है, आना है, जाना है, वो खाना उसका क्या हो जाएगा? हजम। और रात अल्लाह ने किस लिए बनाई? आराम के लिए, आराम के लिए। और जो रात को खाने से भर ले, पेट को भर लेगा, जो रात को अपने पेट को खाने से भर लेगा, जिसकी कढ़ाई, जिसकी मछली, जिसका बारबेक्यू, जिसकी बिरयानी रात को चल रही है, बताओ जब आप रात को अपने मेदे को सोने नहीं दोगे तो वो दिन में आपको सोने देगा? तो सुबह का खाना 60%, दोपहर का खाना 30%, शाम का खाना 10%। घुटनों के लिए मेरे मोहतरम भाइयों, एक लेप मैं बताता हूँ, वो करो। दो तरह का लेप है, एक चम्मच शहद लो, एक चम्मच हल्दी का पाउडर लो, एक चम्मच दालचीनी का पाउडर लो, एक चम्मच चूना लो, ये जो पान के पत्ते पे चूना लगाते हैं, इसको मिक्स कर लो। मेरे मोहतरम भाइयों, जैतून का तेल घुटने पे मालिश कर लो शाम को, रात को सोने से पहले ये लेप घुटने के ऊपर कर लो। रुई रखो, गर्म पट्टी से बांध दो, सुबह नीम और बेरी के पत्तों से और नमक डाल के उस पानी को गर्म करो, इसको धो के दोबारा फिर से जैतून का तेल लगा लो। ये जो लोग कहते हैं ना घुटने, डॉक्टर कहते हैं नी रिप्लेस करने पड़ेंगे, घुटने चेंज करने पड़ेंगे, मेरे मोहतरम भाइयों एक बार 20 से 25 दिन ये करके देख लो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव है, चूना सूट नहीं करता, उन पर चूना माफिक नहीं आता, वो क्या करें? वो एलोवेरा जेल लें, एलोवेरा जेल जिसको आप लोग क्या कहते हैं, कवाल गंधक, ठीक है, 3 चम्मच उसके, 1 चम्मच उसमें सरसों का तेल, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच दालचीनी, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, इसको मिक्स करके इसका लेप बना लो, इसका लेप बना लो, ठीक है। इसके साथ अक के पत्ते, ये जो अक होता है, इसको सरसों के तेल में अच्छी तरह करके उसको फ्राई पैन में गर्म करके वो पत्ते रख के उसके ऊपर गर्म पट्टी बांध लो। 20 से 25 दिन जो डॉक्टर कहते हैं ना नी रिप्लेस करवानी पड़ेगी, वल्ला ऐसे कई 100 लोग हैं जिन्होंने बताया, डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 100% दर्द ठीक हो गई है।